हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अधूरे केएमपी एक्सप्रेसवे को जबरन खोलकर पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता की जिंदगी को खतरे में डाला कांग्रेस। दिल्ली की सड़कों पर भारी वाहनों को हटाकर प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से बनाए गए केएमपी एक्सप्रेसवे पर 6400 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। राफेल में जनता का पैसा लूट प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार, राहुल गांधी। जी हां, राहुल गांधी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि राफेल डील पर छिड़ी जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने ये बात कही है कि राफेल में जनता का पैसा लूट कर मोदी अपने प्रचार में उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मिजोरम में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के नेतृत्व वाली सरकार पर निर्वाचन आयोग और सीबीआई जैसी संस्थाओं के कामकाज में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने रिलायंस के अनिल अंबानी की मदद के लिए करोड़ रुपये दिए थे, उसको मनरेगा योजना के एक साल का खर्च है, उसे अपने ही प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। अफसर थक गए हैं, भरोसे टूट गए हैं, लोकतंत्र रो रहा है। जी हां, सीबीआई में अफसरों की जंग में डीआईजी रैंक के मनीष कुमार सिन्हा के नए आरोप के बाद राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि दिल्ली में चौकीदार ही चोर है नामक एक क्राइम थ्रिलर चल रहा है। मनमोहन ने कहा राफेल पर जेपीसी के लिए तैयार नहीं मोदी सरकार, मतलब दाल में काला है। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को राफेल डील पर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार राफेल सौदे में संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की जांच के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, कुछ तो गलत हुआ है। उन्होंने कहा यूपीए सरकार ने सभी मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव क्रिया नहीं किया है। भाजपा आरोप लगाती रही कि यूपीए के वक्त मध्य प्रदेश के साथ केंद्र ने भेदभाव किया था। चुनावी माहौल में फिर गर्म हुई नरेंद्र मोदी के चाय विक्रेता होने की चर्चा। आरटीआई से हो चुका है खुलासा, रेलवे के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के समय जब नरेंद्र मोदी ने खुद को एक चाय वाला बताया था, तभी से हर चुनाव के समय यह चर्चा जोर पकड़ जाती है। अभी हो रहे राज्य विधानसभा चुनाव में यह चर्चा उछली है। हाल ही में पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया था कि कांग्रेस को अभी भी हैरानी है कि एक चाय वाला पीएम कैसे बन गया। ऐसे में टीआरटीआई के जरिए सामने आई से जुड़ी एक पुरानी जानकारी भी चर्चा में आई है। अगली बड़ी खबर, पहली बार मोदी सरकार ने माना किसानों पर नोटबंदी का हुआ बुरा असर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष नोटबंदी के फैसले पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लेता रहा है। अब कृषि मंत्रालय के इस बयान से विपक्ष को केंद्र सरकार के खिलाफ एक और मुद्दा मिल सकता है। मोदी की जाति वाले बयान पर सीपी जोशी की सफाई, बोले बीजेपी ने किया गलत इस्तेमाल। बीजेपी की आपत्ति जताने वाले के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी ने पीएम मोदी और उमा भारती की जाति पर दिए एक बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनके बयान को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। सीबीआई जांच को प्रभावित करने के लिए अजीत डाभोल का नाम आने के बाद कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, यही कही है बात। सीबीआई अधिकारी एमके सिन्हा ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डाभोल और केंद्रीय सत्कार्यकर्ता संयुक्त केवी चौधरी ने सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच में हस्तक्षेप किया। अस्थाना पर रिश्वतखोरी के आरोप है। इसके बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाल ने सिन्हा द्वारा रिपोर्ट के कोर्ट में समक्ष किया कि खुलासे पर आश्चर्य जाहिर किया है और कहा लोकतंत्र संकट में है और संविधान खतरे में है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा 2019 में बीजेपी से पीएम मोदी बनेंगे या राजनाथ सिंह, ऐसा क्यों कहा, ये इस समय ज्वलंत विषय बना है। दिग्विजय सिंह ने कहा सुषमा पीएम मोदी होती तो बीजेपी सरकार सफल होती, यानी उनका कहना था कि सुषमा स्वराज पीएम होती तो बीजेपी सरकार सफल होती।
पूछा सवाल, बीजेपी से 2019 में पीएम राजनाथ होंगे या मोदी। दिग्विजय सिंह ने की सुषमा स्वराज की तारीफ। नई दिल्ली, बीजेपी की वरिष्ठ नेता और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 2019 का लोकसभा चुनाव न लड़ने की बात कही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, और साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि पीएम की जगह सुषमा, उनके जगह पीएम होती तो यह बात अच्छी होती। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बगावती तेवर के लिए जाने जाते हैं। पार्टी में रहकर पार्टी की ही आलोचना करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा से ही सीखे। अपने भगवती तेवर को लेके शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर कहा, अगर सच कहना बगावत है तो समझो मैं भागी हूँ। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा बुधवार को चित्रकूट जिले के रामायण मेला परिसर में अपना दल द्वारा आयोजित किसान महासम्मेलन में बोल रहे थे। सीबीआई विवाद, पहली बार करोड़ों की घुसखोरी में नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री का आया नाम। नोटबंदी और जीएसटी पर वह बोले थे कि 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही मोदी सरकार के कामकाज के प्रदर्शन का आकलन होना चाहिए। चौधरी का दावा है कि वह पीएम मोदी को 20 से अधिक वक्त जानते हैं। साथ ही देशी सबसे बड़ी जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मंच अंदरूनी घमासान में बीच पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के एक मंत्री का नया नाम सामने आया है। रिश्वतखोरी कांड के तौर पर पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले केंद्रीय सरकार मंत्री हरिभाई पार्थी भाई चौधरी से जुड़े हैं। सीबीआई के डीआईजी मनीष कुमार सिन्हा ने इस मामले में शिकायतकर्ता सना सतीश बाबू के हवाले से आरोप लगाया कि चौधरी की इस मामले में मदद मुहैया कराने के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई है। मोदी की जाति वाले बयान पर सीपी जोशी की सफाई, बोले बीजेपी ने किया गलत इस्तेमाल। बीजेपी की आपत्ति जताने वाले बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी ने पीएम मोदी और उमा भारती के जाति पर दिए बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के उसके बयान को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। कांग्रेसी भूले मर्यादा सिद्धू ने पीएम तो राज बब्बर ने अब उनकी मां पर दिया आपत्तिजनक बयान। जी हां, सिद्धू ने पीएम तो राज बब्बर ने उनकी मां पर दिया आपत्तिजनक बयान। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भी गुरुवार को अपनी एक चुनावी सभा में पीएम मोदी की मां को लेकर विवाद बयान दिया है। 5 राज्यों में चल रहे चुनाव में नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कई नेताओं ने इस दौरान विवादित बयान भी दिए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भी बुधवार को अपनी एक चुनावी सभा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की मां को लेकर विवादित बयान दिया है। गांधी परिवार को घेरने के चक्कर में पीएम मोदी से हुई गलती, सीताराम केसरी को बताया दलित। छत्तीसगढ़ के महासमुंद की रैली संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि दलित सीताराम केसरी को कांग्रेस अध्यक्ष पद का अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया। छत्तीसगढ़ में एक चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार को घेरने के चक्कर में बड़ी गलती कर दी। जी हां, उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी को दलित बता दिया। मोदी के चैलेंज पर चिदंबरम का जवाब गिनाए 15 नाम, कहा याददाश्त कमजोर। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के एक परिवार के इतर किसी अन्य को पार्टी अध्यक्ष बनाने के चैलेंज पर कांग्रेस की ओर से पी चिदम्बरम ने करारा प्रहार करते हुए जवाब दिया है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था, मैं तो हर रोज अपने 4 सालों का हिसाब देता हूँ। कांग्रेस वाले अभी भी आंसू बहाते हैं कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। जब तक आप लोकतंत्र को नहीं समझोगे तो वो चाय वाले को गाली देते रहोगे। ये कह रहे हैं कि नेहरू की वजह से चाय वाला प्रधानमंत्री बना, तो एक बार 5 साल के लिए अपने परिवार के बिना किसी को पार्टी का अध्यक्ष बनाकर दिखा दो। वायरल ऑडियो में दावा, मोदी जी को कोई सुनने नहीं आ रहा, दारू साड़ी पैसा बांटना होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत की जद्दोजहद के बीच ऑडियो वीडियो का दौर भी जारी है।
कभी शिवरास्त्र, कभी कमलनाथ और कभी कार्यकर्ता या प्रत्याशी चुनावी समर में हर किसी के ऑडियो वीडियो सामने आ रहे हैं। अब एक ऑडियो और सामने आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी खेमे में तहलका मचा दिया। कांग्रेस में चुनाव आयोग को शिकायत करते हुए ये ऑडियो सौंपा है। जनसत्ता इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आयोग को सौंपे गए इस ऑडियो में चौंकाने वाला संवाद सामने आया है। शिकायत में किए गए दावे के मुताबिक यह ऑडियो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी माने जाने वाले विदिशा से भाजपा प्रत्याशी मुकेश टंडन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह के बीच हुई बातचीत का है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।